तो हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि हम बन चुके हैं लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट। तो लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट बनने के साथ अब पूरे शहर में हमारा नाम भाई बहुत ज़्यादा गूंजता है, क्योंकि प्रेसिडेंट को पूरा भाई देश जानता है। तो अभी पूरे देश में अब हमारा नाम भी बन चुका है। तो आज है हमारी बहुत ही बड़ी रैली और हमने गोल्ड कार हमने मंगवाई है, वो भी अमेरिका से। तो नहीं नहीं हमने कार्स मंगवाई है। तो आज हम जाने वाले हैं भाई अपनी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सिक्योरिटी के साथ, लेकिन वहाँ तक भाई पहुँचने से पहले हमें एक छोटी सी भाई ड्राइव करनी होगी, और छिंचन और पिंचन को भी यार बताना पड़ेगा कि अब हम कहाँ पर जा रहे हैं, क्योंकि वो लास्ट टाइम कह रहे थे कि मुझे साथ में लेकर नहीं गए। तो इस बार हम छिंचन और पिंचन को भी साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि गोल्ड की जो गाइस कार्स है ना, वो कार्स बहुत ज़्यादा महंगी है, और वो कार्स हमने अमेरिका से मंगवाई है और हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ी है। और वो कार्स को हम कुछ नया करने वाला है, वो क्या होगा वो तो आगे जाकर पता चलेगा कि वो गोल्ड की कार्स हमने क्यों मंगवाई है। तो अभी गाइस हमारा जो यार सिक्योरिटी है, हमारी सिक्योरिटी जिस लोकेशन पर है अब हमें वहीं पर जाना है। तो ये जो गाड़ी है ना, ये गाड़ी एक्चुअली में मेरी पर्सनल गाड़ी है, तो अब हम अपनी पर्सनल गाड़ी में जाएंगे। तो आज मैंने गाइस 50 कार्स को सिक्योरिटी के लिए बुलाया है, और कार्स ऑलरेडी वहाँ लोकेशन पर पहुँच चुकी होगी, और मैं अपनी पर्सनल गाड़ी में जाऊँगा, क्योंकि ये गाड़ी के बारे में किसी को नहीं पता है। चलो आ जाओ छिंचन पिंचन, जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठो। चलो आ जाओ यार, जल्दी जल्दी भाई बैठो गाड़ी में। अरे फ्रैंकी भैया बैठ गए। फ्रैंकी भैया, आज तो दिन यार आपके लिए कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है, और हमारे लिए भी, क्योंकि आप आज पहली बार हमें कहीं पर लेकर जा रहे हो, वो भी इतने ज़्यादा बड़े काम पर। अरे काम तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन वहाँ पर कोई शरारत मत करना, अगर शरारत करोगे तो हमारी बेइज्जती ना हो जाए किसी के सामने, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े बंदे भी आ सकते हैं, और मुझे अभी कुछ आइडिया नहीं है। वैसे मैंने अपनी सिक्योरिटी को इसलिए बुलाया कि वहाँ पर कोई गैंगस्टर वगैरह ना आ जाए, इसी वजह से मैंने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सिक्योरिटी बुलाई है। तो प्रेजिडेंट होने का भाई हमें कुछ फ़ायदे तो हो चुके हैं, कि हमने 50 कार्स बुलाई हैं सिक्योरिटी के लिए। तो 50 कार्स हमने किस लोकेशन पर बुलाई है वो भी मैं आपको गाइस दिखाता हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं वहीं पर जा रहा हूँ। तो आज का दिन वैसे एक्चुअली में स्पेशल तो है ही, तो बहुत ज्यादा मजा भी आने वाला है। ओ भाई साहब, भैंस की टंग, अभी ये क्या हो गया? इतनी सारी भाई पुलिस की गाड़ियां ये कहां पर जा रही हैं? एक सेकंड भाई साहब। तो गाइस इतनी सारी भाई पुलिस की गाड़ियां, ऊपर हेलीकॉप्टर भी है। मुझे लगता है गाइस यहां पर कोई सीन हो चुका है, शायद हमें भी यहां पर विजिट करना चाहिए कि पुलिस वाले एक्चुअली में कर क्या रहे हैं। मुझे लगता है कोई बहुत ही बड़ा गाइस सीन हो चुका है यहाँ पर। एक सेकंड, तो हमें भी इसके पीछे जाना पड़ेगा और पीछे जाकर देखते हैं, क्योंकि हम यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, इसी वजह से हमें भी फॉलो करना पड़ेगा ये पुलिस वालों को, कि पुलिस एक्चुअली में कर क्या रही है पूरे शहर में, और इसके बारे में हमें कुछ पता चलेगा। हमने अपना काम को तो वैसे इंपॉर्टेंस देनी है, लेकिन इतनी सारी कार्स पुलिस की एक्चुअली में जा कहाँ पर रही है? कौन सा ऐसा चोर आ गया जिसकी वजह से 15 पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पर बुलानी पड़ी? तो अभी 15 पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पर बुलाने का एक्चुअली में सीन क्या, वो तो हम पुलिस वाले से पता करवा लेंगे। अरे फ्रैंकी भैया यार, ये पुलिस वाले कहाँ पर जा रहे हैं? अरे मैं भी वही पता करने के लिए जा रहा हूँ कि ये पुलिस वाले एक्चुअली में जा कहाँ पर रहे हैं, क्योंकि पुलिस एक दो नहीं है। एक सेकंड, अभी मैं देखता हूँ कि ये पुलिस एक्चुअली में जा कहाँ पर रही है। मुझे लगता है वो जो टैक्सी वाला जा रहा है ना, पुलिस वाले वही टैक्सी वाले को पकड़ रहे हैं, और वो टैक्सी वाले को हमें गाइज लगता है पकड़ना पड़ेगा। एक सेकंड, मुझे लगता है ये टैक्सी वाले गाइज हमें ही पकड़ना पड़ेगा। एक सेकंड, तो चलो ऑल राइट, मुझे लगता है गाइज अभी शायद पुलिस वाले रुक जाएंगे। नहीं 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 नहीं, वो जो चोर था वो चोर पुलिस के हाथ लग चुका है, और हम यार बेफालतू भाई फॉलो कर रहे थे। चला कि वो जो पुलिस वाले इतनी सारी गाड़ियां लेकर जा रहे थे, वो असल में सीन ऐसा हुआ कि पुलिस वाले की कोई गाड़ी चुरा कर भाग रहा था, और इसीलिए इतनी सारी पुलिस वाले उसके पीछे लगे हुए थे। 3 स्टार की पुलिस उस बंदे के पीछे लगी थी जिसने पुलिस वालों की गाड़ी चुराई, 3 स्टार की पुलिस उसके पीछे लगी थी जिसने गाड़ी चुराई थी। तो अभी वैसे यार जहाँ पर मैंने अपनी सिक्योरिटी बुलाई थी, अब मैं फटाफट गाइस वहीं पर चलता हूँ। तो ऑल राइट, तो जो मैंने गाइस पुलिस की गाड़ियां मंगवाई थी, वो पुलिस की सारी गाड़ियां ये रही। और इतनी सारी पुलिस की गाड़ियां मंगवाने का भाई सीन क्या था, इसके बारे में तो मैं आप सबको बता दूंगा, क्योंकि हम गाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं, बट ऐसा प्रेसिडेंट जो कि अपनी पर्सनल गाड़ी में आता है। तो वैसे मैं अपनी गाड़ी को यहां पर भाई पार्क कर देता हूं। भाई साहब छिंचन और पिंचन तो गाइस पहले ही यहां पर भाई उतर चुके हैं। तो इतनी सारी गोल्ड की गाड़ियां हमने जो गाइस मंगवाई हैं, उसी गाड़ियों को बचाने के लिए इतनी तगड़ी सिक्योरिटी बुलाई है, क्योंकि वो मिलियंस ऑफ नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वो गाड़ियां हैं। चलो आयो छिंचन पिंचन, फटाफट गाड़ी में बैठो। थैंक यू भैया, इतनी सारी गाड़ियां क्या हमें फॉलो करेंगी? और नहीं तो क्या, ये सारी गाड़ियां हमें फॉलो करने वाली है। तो ये था गाइस हमारे लिए सबसे स्पेशल डे। और भाई यहाँ लॉस सैंटोस में अब हर कोई देखेगा कि इतनी तगड़ी सिक्योरिटी एक्चुअली में जा कहाँ पर रही है।
इसके बारे में तो सभी को पूरा पता चल जाएगा कि इतनी सिक्योरिटी बुलाने का मेन रीजन क्या था। सबसे पहले तो गाइज यार मार्क लगा लेते हैं यहाँ पर। तो अब हम गाइज इतनी ज्यादा सिक्योरिटी को लेकर जा रहे हैं भाई एयरपोर्ट में, और एयरपोर्ट में ही हमने गाड़ियों को मंगवाया है और एयरपोर्ट में जाकर हमें आपसे चलो ओके। तो अभी हम गाइज जा रहे हैं फटाफट एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट पर ही मैं आपको जाकर मिलता हूँ। तो चलो ऑल राइट। तो अभी गाइज फिलहाल मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ और भाई देख सकते हो गाइज यार ये रही भाई वो गोल्ड की कार्स, और प्लेन भी अभी आ चुका है। तो ऐसे ही कोई भाई प्लेन के बीच में मुझे लगता है ये गाड़ी आई होगी। अरे फ्रेंकी भैया इतनी सारी गाड़ियाँ आपने क्यों परचेज की है? देखो इतनी सारी गाड़ियाँ इसीलिए परचेज की है क्योंकि हम एक नया शोरूम परचेज करने वाले हैं। शोरूम परचेज करके ये सारी गाड़ियाँ हम उसी शोरूम के अंदर रखेंगे। अरे फ्रेंकी भैया इतने सारे पैसे आपके पास आए कहाँ से? क्योंकि हम प्रेसिडेंट बन चुके हैं ना, तो अभी इतने सारे पैसे आए क्योंकि जनता के पैसे आए यार। जनता के पैसों से अभी ऐश नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? क्योंकि तो पहले हमने इतनी गरीबी की ज़िंदगी जी है, तो अभी यार भाई दिन हमारे आ चुके हैं कुछ मस्त वाले, और इतने मस्त अभी दिन हमारे अमीरों की भाई ज़िंदगी अभी बन चुकी है। तो अभी इन गाड़ियों को हम अपने शोरूम में शिफ्ट करवाएंगे। तो वैसे हम गाइज एक नया शोरूम परचेज करने वाले हैं, तो नया शोरूम परचेज करने के साथ हम इन गाड़ियों को वहीं पर फिर शिफ्ट करवा देंगे और फिर सेल पर लगा देंगे। कुर्सी तो भाई पता नहीं यार कब हमसे छिन जाए। अभी जितने पैसे यार हम खर्च सकते हैं तो भाई खर्चे, लेकिन यार जनता की हम भलाई भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। क्योंकि जनता के ऊपर भी हमने बहुत सारा पैसा अभी लगा दिया है, तो जनता के ऊपर पैसा लगाने के साथ अब हम ये गाड़ियों को शोरूम में शिफ्ट करवा कर और अपना नया काम गाइस शुरू करने वाले हैं। तो नया काम भाई अगर आप देखना चाहते हो एक्चुअली में कौन सा शोरूम है, तो ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और कमाल की और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। तो फटाफट पहले एक लाइक जरूर कर दे, और मैं पहले इस ट्रक को भाई चलाकर तो देखूँ वैसे एक्चुअली में ये ट्रक चलाने में कैसी भाई फील आती है, और ये ट्रक को वैसे मैं चलाकर देख लेता हूँ। भाई साहब इतनी ज़्यादा मस्त मस्त गाइस यार ये ट्रक्स है, इसको ना पूरा फिट करवा लूँ। चलो ऑल राइट, तो चलो ओके। तो गाइस यार देख सकते हो कि भाई क्या ही यार मस्त लग रही है भाई गाड़ियाँ, इतनी ज़बरदस्त गाइस गाड़ी लग रही है ना। तो फटाफट गाइस इसको वीडियो का लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है। तो नेक्स्ट पार्ट में तो वैसे भी कुछ खतरनाक ही होने वाला है, अभी तो हमने गाड़ियाँ ही ली हैं, आगे आगे बहुत कुछ अभी परचेज करने वाले हैं। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तो बाय बाय।